हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेम 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 गुणोत्तर विश्लेषण। ये देख लीजिए, इसका नाम है गुणोत्तर विश्लेषण चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 72 एंड 73। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये मेरी ओल्ड बुक है। आप वहाँ अब अगर आपकी भी ओल्ड बुक है तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने बीकॉम सेम 5 के अकाउंटिंग के लेक्चर्स अपलोड किए हुए यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर आप वहां पर जाकर देखना चाहते हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा, आज का लेक्चर जो है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। और इसके बारे में मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने जो सूत्र है गुणोत्तर के जो सूत्र है वो मैंने आपको समझाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके। और जो पूरा चैप्टर है ये गुणोत्तर विश्लेषण का, उसमें सभी के सब गुणोत्तर विश्लेषण के जो सूत्र है वो आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक। चैप्टर का नाम है गुणोत्तर विश्लेषण और आप देख रहे हैं पेज नंबर 72 और 73। चलिए शुरू करता हूँ आज का इस टॉपिक। सब नंबर है, एग्जाम्पल नंबर उदाहरण हमारा फर्स्ट है। तो ये हमें यहाँ पर रकम दी हुई है, मुकुंद आर1 लिमिटेड का, ये हमारा पाको सर्वाइव है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन विगत हमें यहाँ पर दे दी है। तो हमें उस पर से क्या क्या ढूंढना है, तो काचा नफा नो गुणोत्तर, चोखो नफो, चालू गुणोत्तर, प्रवाही गुणोत्तर, देवदरों ने गुणोत्तर और मालिक गुणोत्तर, ये सब सूत्र है जो पहले मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आज उसी के रिगार्डिंग, इसी के हिसाब ही इसका सूत्र रखते हुए हमें यहाँ पर सम गिनना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो है काचा नफा नो गुणोत्तर। काचा नफा नो गुणोत्तर का सूत्र क्या है, काचो नफो भाग्या कुल वेचाण गुणिया 100। तो सबसे पहले हम काचा नफो कितना है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है काचो नफो, ये काचो नफो हमारा कितना दिया हुआ है, 750,000 भाग्या वेचाण कितना दिया हुआ है। सूत्र में हमें कुल वेचाण बताया है तो हम कुल वेचाण लेंगे, तो कुल वेचाण हमारा यहाँ पर कितना है, 30,00,000। तो 750,000 भाग्या 30,00,000 गुणिया 100, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25%। 750,000 भाग्या 30,00,000 गुणिया 100, तो हमारा आंसर जो है 25% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा गुणोत्तर का सूत्र है वो है चोखा नफा नो गुणोत्तर। चोखो नफो का सूत्र क्या है, तो चोखो नफो का सूत्र है चोखो नफो भाग्या वेचाण गुणिया 100। तो हमें यहाँ पर ये जो चैप्टर है, जो सम रकम है, उसमें हमें चोखो नफो दे दिया है, लेकिन ये चोखो नफो हमें यहाँ पर दे दिया है, लेकिन हमें ये वाले जो चैप्टर है, ये वाला जो सूत्र है, उसमें कौन सा चोखो नफो लेना है, ब्याज अने करवीरा बादनो चोखो नफो हमें यहाँ पर लेना होता है। तो उसके लिए हमें गणतरी करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले चोखो नफो हमें यहाँ पर दे दिया है रकम में, वो उसको 433,500, उसमें से डिबेंचर का ब्याज जो है, डिबेंचर हमें है, मैं आपको बता देता हूँ, डिबेंचर जो है 150,000 है, उसके 9% ब्याज हमारा जो है वो मैं माइनस कर देते हैं यहाँ पर, 150,000 के 9%, तो 13,500 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बचेगा 420,000। 420,000 में से कर वेरा हमें यहाँ पर लेना है 50%। कर वेरा हमें माइनस करना होता ही है, अगर कर वेरा रकम में नहीं दिया तो हमें 50% धार लेना है। अगर दिया हो तो जितना दिया हो उसके हिसाब से हम कर वेरा को माइनस करेंगे, अगर नहीं दिया तो हम उसको 50%
गणतरी कर लेंगे तो 4,20,000 के 50% तो 2,10,000 होगा, और 4,20,000 में से हम 2,10,000 माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज अने कर वेरा बादनो चोखो नफो जो है 2,10,000 हमारा यहाँ पर बचेगा। ये जो 2,10,000 हमारा यहाँ पर बचा और वेचाण हमारा कितना था, 30,00,000 का हमारा यहाँ पर वेचाण था गुणिया 100, तो ये हमारा कितना आ गया, 7% हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद एक और सूत्र है चालू गुणोत्तर, चालू गुणोत्तर का हमारा यहाँ पर सूत्र है चालू मिलकत भाग्य चालू देवा, ये हमारा यहाँ पर सूत्र है। तो हमारी चालू मिलकत और चालू देवा हमें रकम में दिया होगा तो उसको हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो ये सम है, उसमें हम देख लेते हैं चालू गुणोत्तर हमारा, चालू मिलकत सबसे पहले हमें ये चालू मिलकत हमें यहाँ पर गणतरी करनी है। तो चालू मिलकत में क्या क्या आएगा, ये देवादार आएंगे, स्टॉक लेने हुंदी और बैंक सिलेक, ये चारों चार का हमें यहाँ पर टोटल कर लेना है। सिर्फ ऊपर की दो विगत को छोड़कर ये चारों चार का हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे तो हमारा यह आंसर है ये 4,00,000 आ जाएगा। ये सबका हमने यहाँ पर इसको टोटल किया, ये हमारी हो गई चालू मिलकर। इसके बाद चालू देवा हमें यहाँ पर लेना है, तो चालू देवा में हमारा क्या क्या होगा, लेनदार देवी उंडी चुकवेल चुकवाना बाकी खर्चा प्लस कारीगर नफा भाग भंडोल, ये चारों चारों का हम यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे तो हमारा ये चालू देवा 2,50,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो चालू मिलकत कितनी है, 4,00,000 भाग्या 2,50,000 आप करोगे तो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण नंबर 1 था जो मैंने आपके सामने यहाँ पर समझाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक सम था। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी आपकी बनानी पड़ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और पहली बार आए हमारे चैनल पर तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट सम के साथ।